हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों में एस जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है दैनिक जागरण के संपादकीय का जो मुख्य पृष्ठ होता है उसके बारे में हम यहाँ पर विचार विमर्श करते हैं और चीज़ों को सही तरीके से बताते हैं। और उनके लिए धन्यवाद जिन लोगों ने अपनी समस्याएँ या फिर हमें कम्प्लीमेंट दी हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जाकर। थैंक यू सो मच फॉर योर कम्प्लीमेंट। अब दोस्तों हम आते हैं, सबसे पहले आते हैं उन वाक्यों की तरफ जिनमें वो विशेष मोटिवेशंस होता है। अगर हम उसके बारे में विचार विमर्श करें तो एक दिन या कई सालों तक भी मोटिवेट हो सकते हैं। जैसे यहाँ से लिखा है, हिंसा से किसी मसले का हल नहीं निकलता। हिंसा से किसी मसले का हल नहीं निकलता, इसको आप पढ़िए, उसके बाद देखिए कहाँ से तात्पर्य है। आज जिस प्रकार से देखिए, चाहे पाकिस्तान हो चाहे भारत, इन दो राष्ट्रों के बीच हमेशा गतिरोध रहता है, ठीक है। अगर हम देखें प्रथम विश्व युद्ध देखें या द्वितीय विश्व युद्ध, संसार में जितने भी हिंसा हुए हैं बाद में उनका समाधान जानते कैसे होता है, एक टेबल पे आके हो सकता है। याद रखिएगा, युद्ध युद्ध को कभी ख़त्म नहीं करता। युद्ध जो है वैचारिक वैचारिक स्पष्टता से बैठ के ख़त्म की जाती है। अभी ईरान और अमेरिका के बीच जो गतिरोध हो रहा है, अब थोड़ी थोड़ी हो सकता है कि चीज़ें सामान्य हों, और ये हिंसा तभी रुकेगी जब दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष एक गोलमेज सम्मेलन करेंगे या एक जगह बैठ के बातचीत करेंगे, क्योंकि हिंसा से हिंसा खत्म नहीं होती। इसीलिए महात्मा गांधी हमेशा कहते थे कि हिंसा का विरोध करिए, क्योंकि हिंसा हमेशा उत्पीड़न को जन्म देती है, हिंसा हमेशा अपनों को अलग करती है। इसीलिए अहिंसा का प्रयोग करें, ठीक है। हो सकता है अहिंसा अगर आप कर रहे हैं तो समय ज़्यादा लग सकता है, पर चीज़ें व्यवस्थित होंगी, सही होंगी, ठीक है। उसके बाद आते हैं विश्वविद्यालयों में गुंडागर्दी। विश्वविद्यालयों में गुंडागर्दी का मतलब ये है कि जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, भारत की चुनिंदा यूनिवर्सिटी में एक है, और अगर इस परिसर में, इस विश्वविद्यालय में कुछ नकाबपोशधारी अगर अंदर जाकर वहाँ के छात्रों छात्राओं और शिक्षकों पर बर्बरतापूर्वक लाठियाँ मारें तो ये हृदय को व्यथित कर देता है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू कोई छोटा सा विश्वविद्यालय नहीं है, भारत के चुनिंदा यूनिवर्सिटी में से एक है। तो जिस प्रकार के अराजक तत्वों द्वारा अराजकता फैलाई जा रही है, ये बेहद ही शर्मनाक है, और इन घटनाओं की हमें निंदा करनी चाहिए। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आप हिंसा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप भी वही काम कर रहे हैं जो अन्य कर रहे हैं, क्योंकि देखिए अभी बीच में जो भी विरोध हुआ था, चाहे सीओ को लेकर हुआ हो, पर इस प्रकार की समस्याएं खुलकर जेएनयू में नहीं हुई थी। पर आखिर कौन लोग हैं जो सरकार को कटघरे में करना चाहते हैं, या फिर वो कौन लोग हैं जो भारत की छवि धूमिल करना चाहते हैं। एक वीडियो रिलीज हुआ होगा, आप शायद देखे हो, कई लोग कुछ नकाबधारी नकाब पहने हुए विश्वविद्यालय के परिसर में घुसते हैं और सबको पीटते हैं, डंडे से, हाँकी से, लाठी से, जैसे ही, और बुरी तरह से अपमानित करते हैं, गाली गलौज करते हैं। तो ये बेहद ही शर्मनाक घटना है। ये दिल्ली पुलिस के ऊपर एक तरह से कालिख है कि इस तरह की शर्मनाक घटनाएं हो जा रही हैं, आपके हाथ में पूरा प्रशासन है, आप कर क्या रहे हैं। या फिर ऐसा तो नहीं है कि इस घटना में किसी बड़े हस्ती का हाथ हो। जिस प्रकार से आज कर राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे का विरोध कर रही हैं, मैं आपको बता दूं, ये किसी भी स्तर तक गिरने के लिए तैयार हैं, बस उनका वोट बैंक बनना चाहिए। नहीं तो देखिए, जो अभी रूलिंग सरकार है, जो करंट की सरकार है, वो पहले से ही सीए को लेकर, एनपीआर को लेकर बुरी तरह से घिरी हुई है, वो जवाबदेही नहीं दे पा रही है, लोगों को जन जागरूकता फैला रही है। क्योंकि देखिए, अगर वो इस प्रकार की कृत्य करेगी तो उसकी सरकार कटघरे में खड़ी हो जाएगी और उसे अपमानित होना पड़ेगा, तो वो ऐसा कार्य नहीं करेगी, ठीक। तो ये आपको समझना होगा कि वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में लोग किस प्रकार से एक दूसरे को किस हद तक जाकर गिर सकते हैं, ये हमें अपने विचार से काम लेना होगा। किसी फेक वीडियो या किसी एनिमेशन के थ्रू हमें उसके बारे में सबसे पहले, हम देखिए लोग पढ़े लिखे हैं ना, तो सबसे पहले विचार विमर्श करें कि उस चीज़ की वास्तविकता क्या है,
क्या सरकार ऐसे कर सकती है या फिर अन्य लोग भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे देश की जो राजनीति है बहुत ही गिर चुकी है। कब कौन सा कौन व्यक्ति कदम उठा ले ये कहना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है, तो यही चीज़ें इसमें हैं। जैसे ये आप अपनी बातें रख सकते हैं, लोग पूछेंगे आपसे कि विश्वविद्यालय में जो गुंडागर्दी हुई है उसके बारे में आपके विचार क्या हैं, तो आप बोलिए मेरा विचार स्पष्ट है कि जो सरकार पहले से ही सीए के खिलाफ कटघरे में घिरी हुई है और अन्य राज्यों में जाकर जन जागरूकता फैला रही है कि इसका विरोध आप ना करें, ऐसे में एक नया बखेड़ा क्यों खड़ा करेगी कि मेरी सरकार घिर जाए और कई लोगों का आलोचना सहना पड़े। इसलिए अपनी बात रखें और लोगों को बताएं कि दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी, दिल्ली का जो प्रशासन है अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे थे, क्या उनकी सुरक्षा मुहैया यही है, यही जिम्मेदारी है। तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन का मिलीभगत है। अब इसमें कौन लोग हैं आप हम नहीं कह सकते, हम आप खाली विचार स्पष्ट दे सकते हैं, उसके बाद जो करना है दिल्ली पुलिस करेगी। अब उसके बाद आते हैं सरकारी कामकाज के खिलाफ शरारत। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, सरकारी कामकाज के खिलाफ शरारत। सबसे पहले समझिए इसको, सरकारी कामकाज का मतलब ये हुआ हमारे देश में जितने भी विकास से संबंधित कार्य किए जा रहे हैं, कुछ शरारती तत्व हैं जो उसमें बाधा पहुंचा रहे हैं या फिर उन कार्यों को बाधित कर रहे हैं, उसके बारे में बताना है। यहाँ पे देखिए लिखा है एनपीआर। एनपीआर का मतलब होता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, जनगणना। आपको पता होगा जनगणना हमेशा 10 साल पे होता है और पहली बार 1892 में हुआ था। ठीक है, तो हम चलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है नागरिकता संशोधन कानून यानी सीए के खिलाफ कुछ राजनीतिक दलों का दुष्प्रचार, नित नई गिरावट का स्तर छूता जा रहा है। अब उन्होंने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्ट्रा यानी एनपीआर और हर 10 साल में होने वाली जनगणना की कवायद का भी विरोध शुरू कर दिया है। कहने का मतलब यह है जिस प्रकार से हमारे देश के अंदर राजनीतिक पार्टियां सीएए, जो पहले कैब था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, जब दोनों सदनों के साथ इसे पारित कर दिया गया तो ये हो गया आपका सीएए, क्योंकि ये कानून हो गया। कानून होने के बाद भी बड़े बड़े पॉलिटिशियन जिस तत्परता से विरोध कर रहे हैं, या फिर अन्य राज्यों के जो सीएम हैं वो कह रहे हैं कि हम अपने राज्य में इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तो इतनी बड़ी राजनीति हो रही है इसे लेकर, किस प्रकार से मुस्लिम जगत को प्रोत्साहित करने के लिए, वोट बैंक बनाने के लिए उनके साथ लोग खड़े हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये जो है संविधान के मूल भावना के खिलाफ है, फिर भी लोग जो है उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। ये पूरी पूरी तरह से बस एक ही चीज़ है कि मुसलमानों को प्रोत्साहित करने के लिए, मुसलमानों के साथ वोट बैंक की राजनीति करने के लिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो है ये सरकारी कामकाज को बाधित करने का एक तरह से मंसूबा खड़ा किया जा रहा है। अब अगर हम बात करते हैं एनपीआर की, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की, तो आपको पता है इसके बारे में क्यों? जैसे कि अगर आपसे कोई पूछे कि एनपीआर जो है, नेशनल पॉपुलेशन जो रजिस्टर है, इसका विरोध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये अगर पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो रही तो क्यों हो रही है, तो सबसे पहले आप बताइए आज हमारे देश के अंदर अल्पसंख्यक, जैसे क्या होता है जो अल्पसंख्यक होते हैं तो उसका चुनाव बस धर्म के आधार पर नहीं होता है, भाषा के आधार पर और धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक होते हैं। और आज आप बताइए, एक शुरू शुरू में जो मुसलमान की जनसंख्या तकरीबन जब पहली जनगणना हुई थी 3.5 तकरीबन 3.5 करोड़ थी, और अब जब तक जनगणना हुई है तकरीबन 17.5 करोड़ हो चुकी है। तो अब आप ये बताइए, अब तो इनकी जनसंख्या और भी हुई होगी, 20, 22, 25 भी हो सकती है। अब मान लीजिए अगर ये उत्तर प्रदेश में अच्छी जनसंख्या में है, ठीक है, और हिंदू की मैं बात बता दूं, जब 28-29 राज्यों में जब आप वो करेंगे, सर्वेक्षण करेंगे, सर्वे करेंगे, तो हो सकता है कई राज्यों में, उन राज्यों में हिंदू कम हो, ठीक है, अगर हिंदू कम होंगे तो कहीं बौद्ध कम होंगे, कहीं जैन कम होंगे, कहीं सिख कम होंगे। तो आप ये बताइए,
तो वो भी तो उस राज्य में अल्पसंख्यक के रूप में हुए, तो उन्हें भी तो वही सब्सिडी, वही सेवाएं मुहैया करानी चाहिए जो मुसलमानों को करानी चाहिए, जो करते हैं हम। मुसलमान जब अपने आप को अल्पसंख्यक बताता है, माइनॉरिटी बताता है, तो राज्य और केंद्र सरकार के द्वारा तमाम तरह की उसको जो है योजनाएं दी जाती हैं। पर क्या ऐसा सबके साथ होता है? हरियाणा में चले जाइए, भाषाई आधार पर नहीं मिलता किसी को। अगर वो अपनी संस्कृति को, अपनी भाषा को बचाना चाहते हैं या भाषा के आधार पर वे माइनॉरिटी में आते हैं, तो उन्हें भी नहीं मिलता है। तो जो इस प्रकार की जो पार्शियलिटी है, जो पक्षपात है, जो तुष्टिकरण है, उसको ही हटाना है। जब NPR होगा पूरे देश में, प्रत्येक परिवार में, तो इससे ये पता चलेगा कि हमारे देश में किस धर्म में, किस भाषा में, किस राज्य में, किस क्षेत्र विशेष में किसकी क्या हाल है, उसके आधार पर योजनाएं बनाई जाएंगी। सीधे सीधे समझिए, परिवार में अगर 10 लोग हैं, ठीक है, तो सबसे पहले डॉक्टर क्या करेगा, जब आएगा तो सबका देखेगा कि कौन किस रोग से पीड़ित है, किसको कौन सा प्रोटीन चाहिए। आपके स्वास्थ्य के बारे में तभी बताएगा ना कि आपके शरीर में किस चीज़ की कमी है, प्रोटीन की है कि कार्बोहाइड्रेट की है, वसा की है। उसके अनुसार जब चेक करेगा सब लोगों का, तभी ना कुछ बताएगा। तो वही चीज़ है, जब देश में NPR लागू होगा, तभी तो वो बताएगा कि कौन सा धर्म पीड़ित है, उत्पीड़न कौन सह रहा है, कौन नहीं सह रहा है, किसकी जनसंख्यिकी जो जनसंख्या वो कम हुई है, किसकी अधिक हुई है। क्योंकि तमाम तरह के लोगों का रोना है कि हमारे यहाँ इलिटरेसी है, हमारे धर्म में, हमारे यहाँ रोजगार नहीं है। तो इन्हीं सब चीज़ों को जानने के लिए, उसके बाद देखिए जो कांग्रेस है इसका विरोध क्यों कर रही है, ये भी प्रश्न उठता है। ठीक है, कांग्रेस इसका विरोध क्यों कर रही है? तो सीधी सीधी बात है कि कांग्रेस है, सबसे पहले ये NPR वही लेकर आई थी। बाद में उसने झूठा आरोप लगाया BJP के ऊपर कि जो हमारा NPR था इससे बेहद अलग था। इनका जो NPR है, इनका मूल उद्देश्य जो है मुसलमानों को अलग करना है, उनके लिए डिसेंट सेंटर बनवाएगा, वहाँ पे ले जाके मुसलमानों को कैद करेगा। क्योंकि अब NPR के थ्रू ही CAA होगा, NRC होगा। तो इस तरह के जो अराजकता फैलाई जा रही है कांग्रेस के द्वारा, वो बेहद गिरी हुई राजनीति है। ठीक है, वो जो काम सरकार ने सोचा था करने के लिए संपर्क कांग्रेस ने, वही कार्य BJP कर रही है। आप बताइए, आप अगर हमारे देश में हैं, क्या 6 महीने पीछे जाकर आप अपना डेटा नहीं दे सकते कि मैं कहाँ रह रहा था, कहाँ नहीं रह रहा था? अब वो कह रहे कि नहीं, अब ये मोबाइल नंबर ऐड करेंगे, आधार कार्ड ऐड करेंगे। तो देखिए, अगर आप इस देश के हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपके पास कोई दस्तावेज ना हो। तो ये सब तमाम तरह की चीज़ें हैं। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।